आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा हींग एस्कुटाडिया, ये आपको उज्बेकिस्तान से कैसे मंगवानी है। दोस्तों उज्बेकिस्तान में हींग बहुत सस्ती मिलती है, ये देखिए हम सैंपल मंगवाया उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान दोस्तों USSR यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ का एक पार्ट था, 91 में अलग हुआ। इसको CIS भी कंट्री भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। ताशकंद यहाँ की राजधानी है, बड़े बड़े शहर जो समरकंद बुखारा वहाँ से इसको हमने मंगवाया है, बहुत सस्ती है। आप ये देखिए, ये हमारा कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये बहुत सस्ती वहाँ से मिलती है, आप इसको मंगवाएं। स्पाइसेस में यूज़ होती है, मसालों में यूज़ होती है, इजीली यूज़ होती है बहुत सी जगह, और बहुत सस्ती मिलती है उज्बेकिस्तान में, लेकिन इंडिया में बहुत महंगी बिकती है। तो इसको मंगाना, इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना भी बहुत प्रॉफिटेबल वर्क है। तो दोस्तों उज्बेकिस्तान से आप इसको मंगवाएं। उज्बेक वहाँ उज्बेक नस्ल है, उज्बेक और रशियन बोली जाती है, सोम वहाँ की करेंसी है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। ये देखिए बहुत इसकी पंजेंट स्मेल है, इसके दाने भी काफ़ी मोटे हैं, ये देखिए आप। तो आप उज्बेकिस्तान से इसको मंगवा सकते हैं। 2 से 3 4 घंटे का रास्ता है दिल्ली से उज्बेकिस्तान का। इसकी लगती सीमाएं हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, बिल्कुल बीच में है ये आप, और यहाँ से आप मंगवाएं। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें, ये हमने सैंपल मंगवाया है, इसके देखिए दोस्तों दाने मोटे हैं और बहुत ही सस्ती है वहाँ ये, और आप इसको मंगवाएं। इंडिया में बहुत महंगे में बेचें, तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। आगे चल के हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊँगा हींग जो दोस्तों होता है एसाफोटाइडा, हींग को आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों सबसे बेस्ट जो हींग होती है वो आपको उज्बेकिस्तान में मिलेगी। पहले मैं आपको दोस्तों कुछ बता देता हूँ उज्बेकिस्तान के बारे में। उज्बेकिस्तान दोस्तों सेंट्रल एशिया का कंट्री है, पहले ये सोवियत संघ का ही पार्ट था। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है दोस्तों वो है ताशकंद, और दोस्तों जो करेंसी है वो है उज्बेकिस्तानी सोम। लैंग्वेज, क्योंकि ये रशिया का पार्ट था तो ये इसकी लैंग्वेज है उज्बेक रशियन, उज्बेक है, रशियन है, रशियन भी काफी बोली जाती है दोस्तों, और कॉलिंग कोड है 9998। दोस्तों पहले तो मैं आपको हींग के बारे में बता दूं, अगर आपको हींग इंपोर्ट करनी है तो आप उज्बेकिस्तान से करें, क्योंकि आपको वहाँ पे सबसे बेस्ट हींग मिलेगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलेगी। दोस्तों इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसाफोटाइडा। दोस्तों हींग जो है, हींग को बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं दोस्तों, फूड ऑफ गॉड के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। और जो हींग है वो दो तरह की होती है दोस्तों, हींग के इसकी पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है, वो इसके दोस्तों सल्फर के कारण होती है, सल्फर होता है इसके अंदर, तो इसकी पंजेंट स्मेल होती है। हम अपने खाने में बहुत यूज़ करते हैं दोस्तों। इसको डेविल डंग भी कहते हैं, इसके नाम बता रहा हूँ, डेविल डंग, फूड ऑफ गॉड दोस्तों, टिंग बोलते हैं दोस्तों, कयाम बोलते हैं, इंगू बोलते हैं दोस्तों, अशांत बोलते हैं, हींगू बोलते हैं, जवानी बोलते हैं, बदियान बोलते हैं, ये बहुत जवानी बदियान बोलते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे नाम हैं हींग के। तो आप हींग इंपोर्ट कर सकते हैं उज्बेकिस्तान से। अभी मैं बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, आप मेरे वीडियो में बने रहे दोस्तों। हींग के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होती है हींग काबुली होती है दोस्तों, ये मिल्की वाइट होती है, सफ़ेद होती है, दूध की तरह जैसे मिल्क होता है, और दूसरी होती है दोस्तों रेड रंग की हींग। इसकी पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल इसलिए होती है दोस्तों, इसमें सल्फर का गुण बहुत होता है, सल्फर प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर सल्फर होती है, तो ये पंजेंट स्मेल होती है दोस्तों। हम अपने मसालों में बहुत यूज़ करते हैं इसको, आप उज्बेकिस्तान से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया उज्बेकिस्तान के बारे में, रशिया का पार्ट था, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है दोस्तों, 3 घंटे का ही रास्ता है दिल्ली से, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब उज्बेकिस्तान में जहाँ एयरपोर्ट से जहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं वो है एयरपोर्ट दोस्तों, ये है ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इसकी कैपिटल है दोस्तों, समरकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, फरगाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, समरकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, फरगाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मार्केट कहाँ कहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये ताशकंद होलसेल मार्केट। तो आप हींग इंपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं हमारे ट्रेनिंग लगते डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में दोस्तों, और हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाते हैं वीकेंड पे, सैटरडे संडे, दिल्ली मुंबई कोलकाता बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उसमें हम सारी चीज़ बताते हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप हींग का इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप
उज्बेकिस्तान से कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, कोई भी क्वेश्चन हो, स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे बहुत कम पैसे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर सकते हैं, उज्बेकिस्तान से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।